अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखाज किचन से। तो चलिए आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन हंगामा। मैं सिजलर की प्लेट में बना रही हूँ, एकदम मजेदार सा बढ़िया सा बनेगा। लेकिन आप चाहें तो बिना सिजलर की प्लेट में भी बनाएं, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट प्लेट में सर्व कर दें। तो चलिए उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो यहाँ आधा किलो चिकन बोनलेस लिया है। ये है बोनलेस थाई पोर्शन है, कोशिश कीजिए थाई पोर्शन लेने की। वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और जूसी होते हैं जब पकते हैं तो। और इसकी सारी चर्बी निकाल ली है, दो तीन पानी से धो के मैंने मीडियम पीस की है। ये देखिए इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, दो छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मेरा ज्यादा स्पाइसी वाला नहीं है, आपका ज्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पहले ये डाल देती हूँ। यहाँ मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, 3 से 4, 1, 2, 3, मैं 4 डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है और ये 2 टेबलस्पून मैदा है। आप चाहे तो मैदा टोटली स्किप करके ये टोटली 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, बट मैं दोनों डाल रही हूँ। अच्छा, ये सब डाल दिया। अब 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 से 2 डाल सकती हूँ, मैं 1.5 डाल रही हूँ। ये हो गया। और अब यहाँ 1 अंडा फोड़ कर डाल दीजिए। आप अगर 250 ग्राम का बनाना चाहते हैं, सारी चीजें आधी कर दीजिएगा। जो अंडा है उसे आप आधा कैसे करेंगे, तो ये जो पीली जर्दी है उसे हटा दीजिएगा और सफेद डाल दीजिएगा। चलिए अब ये सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे आप मैरिनेट करने साइड पर रख दीजिए ढककर। आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर भी रख सकते हैं। मैं 1-1.5 घंटे के लिए साइड पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिकन को, आपने जैसे अंदर देखा, मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया। यहाँ पर ना मैं 3 टाइप की शिमला मिर्च है, हरी है मेरे पास, लाल है और पीली है। ये 3 को मैं मोटा मोटा काट रही हूँ, ये आप देख सकते हैं एकदम भी मोटा नहीं है। और मैंने प्याज बड़ी ली थी, उसको भी मैंने इस तरीके से मोटा मोटा काटा और इसे थोड़ा सा खोल दिया प्याज को। तो यही मैं बस काट रही हूँ। और थोड़े से ये जो स्प्रिंग ऑनियंस के पत्ते हैं उसे भी मैं बारीक काट लूंगी। तो चलिए ये देख सकते हैं आप, मैंने 3 टाइम की शिमला मिर्चियां काट ली है। छोटी छोटी थी इसके लिए 1-1 काटी है, बड़ी बड़ी हो तो आप आधी आधी लीजिएगा। और 1 प्याज काट ली है मेरे पास। लहसुन थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी चॉप करके रख दी है साइड पर, वो भी इसमें डालना है। और अब मैं यहाँ क्विकली इससे काट लेती हूँ। आज मेरा मन नहीं है चॉपिंग बोर्ड पे काटने का, तो मैं कैंची से काट रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां काट ली है। और मैं क्विकली एक बात बोलना चाहूंगी, हमारी जो YouTube फैमिली है, जो आप लोग हो जुलेखास किचन की जो YouTube फैमिली है, उनमें से मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा था कि उनका मैं नाम जरूर लूँ, तो मैं अभी नाम ले रही हूँ, सदफ खान। थैंक यू सो मच सदफ खान, आप मेरे सारे ब्लॉग्स भी देखते हो, रेसिपीज भी देखते हो और इतना कमेंट भी करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए 1 घंटा हो चुका है और अब मैं एक कढ़ाई के अंदर तेल डालती हूँ। फास्ट आंच पर तेल गरम कर लीजिए, गरम हो जाए तो मीडियम कर दीजिए आंच को। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर थोड़े से ये जो चिकन के मैरिनेटेड पीसेस हैं अच्छा वेल कोट कर इन्हें डालते जाए। बहुत ज़्यादा मत डालें, कुछ ही डालें एट अ टाइम, और इन्हें मीडियम आंच पर फ्राई करें। आपने तकरीबन 6-7 मिनट तक इन्हें फ्राई करें, उलट पलट करते जाएं। जब 6-7 मिनट हो जाए और क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए, बैचेस के अंदर फ्राई कीजिएगा, मीडियम आंच पर फ्राई कीजिए। तकरीबन 6-7 मिनट में तो अंदर से चिकन पूरी तरीके से गल जाएगी। तो ये हो गई मेरी सारी चिकन। तो ये चिकन के पकौड़े बोलिए, चिकन के पकौड़े बन चुके हैं। अच्छा, अब मैं तो सेम कढ़ाई नहीं ले रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप सेम कढ़ाई ले सकते हैं। मैंने छोटी कढ़ाई में ही बनाया था, अब मैं बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ सॉस बनाने के लिए। आप चाहे तो 1 ही कढ़ाई रखिए और उसी में ही सॉस बना दीजिए, वो जो तेल बचा हुआ होगा सारा निकाल लीजिए और थोड़ा तेल रहने दीजिएगा। चलिए अब सॉस बनाते हैं। क्विकली कढ़ाई के अंदर 6-7 टेबलस्पून जितना ये जो तेल हमने चिकन जिसमें फ्राई की थी वही वाला तेल डालिए। 1 छोटा चाय का चम्मच लहसुन डाल दीजिए बारीक कटा हुआ, मीडियम आंच पर चूल्हा रख दीजिए और ये लहसुन को आधे मिनट तक फ्राई करें।
जब आधा मिनट हो जाता है तो ये बाकी की जो सब्जियां हमने काट के रखी है, प्याज और ये तीनों टाइप की शिमला मिर्च, ये डालकर इसे भी तकरीबन आधा मिनट या एक मिनट तक फ्राई करें, बार बार चलाते रहें, सो दैट थोड़ी सी कच्ची पक्की टाइप हो जाए। जब इस तरीके से आधा मिनट या एक मिनट हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। अच्छा, मैं अब इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ क्योंकि जब हम सर्व करेंगे और उस टाइम पे एंड में डालेंगे ना तो थोड़ी सी कच्ची पक्की लगेगी, तो और क्रिस्पी क्रिस्पी मुंह में आएगी तो मजा आएगा। लेकिन आपको चाहिए तो आप सॉसेस यहीं से डालना शुरू कर सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी है। मैं निकाल लेती हूँ इसे प्लेट के अंदर। अब थोड़ा सा तेल और ज्यादा डालिए इसके अंदर, वही तेल डालिए जो जिसमें चिकन बनाया है, फ्राई किया है आपने। फिर से इसमें आप डाल दीजिए लहसुन, तकरीबन यहां मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना बारीक कटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं और इसे फ्राई करें आधे एक मिनट तक। ये जब लहसुन फ्राई हो जाता है मीडियम आंच पर तो इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून शेजवान सॉस या शेजवान चटनी, 2 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस, वैसे मैं 1.5 डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डार्क वाला है मेरा, 2 टेबल स्पून टमाटर सॉस और 2 टेबल स्पून चिली सॉस। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मीडियम पर है और थोड़ा सा मैं 1/4 कप जितना पानी डाल रहती हूँ क्योंकि फिर ये एकदम थिक ना हो जाए और एकदम ड्राई आउट ना हो जाए ना सॉसेस। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसमें हल्का एक उबाल आ जाने दीजिए, मीडियम आंच पर है, जल्दी ही आ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। साइड बाय साइड मैंने है ना इसकी सिजलर की प्लेट गरम पे रख दी है स्लो आंच पर। अब यहाँ पर मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है जिसको मैंने 1/4 कप पानी के अंदर मिक्स करके इसमें डाल दिया। चूल्हा मीडियम आंच पर ही है और अब हल्का सा आप देखें कि थिक होने लगा है ये जो ग्रेवी है, तो ये जो चिकन के पीसेस है ये सारे डाल दीजिए, मिक्स कीजिए और ये जो सब्जियां हमने साइड पर रखी है वो सारी डाल दीजिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी सब्जियां साइड पर रख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए डालना है। आप पूरी तरीके से सारी डाल दें, मिक्स कर लें, हल्का थिक हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद और थोड़ी सी ये जो स्प्रिंग ऑनियंस की पत्ती है बारीक काट कर रखी हुई वो सारी डाल दीजिए। चख लीजिए, एडजस्ट करने जैसे लगे तो सॉसेस एडजस्ट कर लीजिए। मैंने नमक भी नहीं डाला है क्योंकि सारी जो सॉसेस हैं उनमें नमक होता है, तब भी आप वो भी चख के एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए, मुझे ये परफेक्ट लग रही है, बट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप, मैंने 1/4 कप पानी डाला था जिसमें 1 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है, आप आधा कप पानी लीजिए उसके अंदर 1.5 छोटा चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर डालकर उसे मिक्स करके घोल बनाकर डाल दीजिएगा। चलिए, यहाँ मैं ये जो सिजलर की प्लेट है इसे से स्लो आंच पर गरम कर रही हूँ, ये साइड पे ले ली हूँ और अब इसमें मैं डाल देती हूँ कैबेज के जो पत्ते आते हैं उसे धो के मैं इसके ऊपर रख देती हूँ और स्लो आंच पर ही रखती हूँ तो स्लो स्लो कैबेज के पत्ते भी उसके ऊपर रहेंगे। और उसके बाद ये देखिए मैं इस ये जो चिकन का ये जो हमने बनाकर रखा है हंगामा इसे इसके ऊपर डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारे डाल दीजिए इसके ऊपर, फिर थोड़ी सी ये जो स्प्रिंग ऑनियंस बारीक कटी हुई है उसके ऊपर गार्निश कर दीजिए। अच्छा, मैंने ये जो सब्जियां है ना थोड़ी सी फ्राई करी हुई साइड पर रख दी थी प्रेजेंटेशन के लिए कि ऊपर से दिखेंगी तो और ज़्यादा वाइब्रेंट कलर दिखेगा और मज़ेदार दिखेगा हमारा चिकन हंगामा, तो मैं अब वो भी सारा डाल देती हूँ, ये जो सब्जियां एक्स्ट्रा है और सारा प्लेट के अंदर भी जो लहसुन वगैरह है वो भी सारा इसके ऊपर डाल देती हूँ कि और ज़्यादा खुशबूदार भी बने और मज़ेदार लज्जतदार लगे हमारा ये चिकन हंगामा। अच्छा, अब मैं इसे है ना अच्छे से गर्म हो गया है इसे मैं इसे ये जो वुडन प्लेट है सिजलर की इस पे रख देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा मक्खन बटर जिसे कहते हैं मस्का, थोड़ा सा वो जो प्लेट है ना उसके ऊपर 2-3 जगह पे डाल देती हूँ कि थोड़ा सा अच्छा ये जो फ्लेवर भी आए और जो मेरे नीचे के कैबेज है ना वो भी बढ़िया से ग्रिल हो तो मज़ा आता है, मैं तो कैबेज भी बहुत शौक से खाती हूँ। बन चुका है मेरा चिकन हंगामा, देख सकते हैं बढ़िया सा लग रहा है, मज़ेदार सा, मैं झटपट खाऊंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे मैंने चिकन सिजलर की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है और एक चिकन सीजलिंग भी है, वो भी मैंने सिजलर के टाइप ही अपने चैनल पर अपलोड की है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो भी चेक कीजिएगा, वो भी बढ़िया मज़ेदार से लगते हैं।
अच्छा, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे और आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए ये रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो शर्माइए मत, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कीजिए। और हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसके लिंक्स को फॉरवर्ड कीजिए, शर्माइएगा मत। तो चलिए फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार मज़ेदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, इन्जॉय चिकन हंगामा।